इतनी सी बात ही, लेकिन इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो आपसे बहुत अच्छी गप लगेगी इंशाल्लाह। और दूसरा, आपका स्टेम में शौक है तो कुछ थोड़ी मुझे रियलाइजेशन हुई है कुछ अरसा पहले। ये जो सूरह इखलास हम पढ़ते हैं, कुल हो अल्लाह अहद, ये जी यकीन माने इतनी साइंटिफिक सबसे छोटी सूरत है, और इसको 3 दफा पढ़ने का इतना सवाब है जितना एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब है। और उसकी वजह यह है कि ये इतनी साइंटिफिक है, ये तीन तीन आयतें जो चार छोटी सी सूरत है, चार चार आयतों की, कि इसमें आपने शुरू में बात की कि अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला नजर नहीं आता, ये गलत है। अगर अल्लाह ताला नजर नहीं आता, अगर आपको थोड़ी सी साइंस की नॉलेज हो तो ये सूरत के थ्रू आपको अल्लाह ताला सामने साफ नजर आता है। आप बताएं थोड़ा सा, मैं सुन रहा हूं। कुल हो अल्लाह अहद, एक अरबी बाबा थे यहाँ पर मस्जिद में आते थे, यही ताहिर भाई वाले मुसल्ले में, उनसे मैं पूछा ये अहद का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि अहद का मतलब है, कहते हैं अहद का मतलब वाहिद नहीं है, एब्सोल्युटली, अहद का मतलब है इनडिविजिबल। वाओ, अच्छा, तो इनडिविजिबल हमारा क्या होता है, जो हमारे दिमाग में सिखाया जाता है कि जी इलेक्ट्रॉन है इनडिविजिबल, एटम का सबसे छोटा पार्टिकल, फिर उसके बाद जाते 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 इनडिविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल्स निकले तो न्यूट्रिनो तक जाके बात पहुंच गई, और अब उससे भी वाह छोटे वाह पार्टिकल्स निकले, वाह, तो अल्लाह ताला इनडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन इनडिविजिबल पार्टिकल कैसे है, असमद, समद का मतलब होता है इन्फिनिट। तो पार्टिकल वो, अव्वल तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि मैं एक पार्टिकल हूं, दूसरी बात ये बता दी कि मेरा मैग्नीट्यूड इन्फिनिट है। माशाल्लाह, अच्छा, और तीसरी बात ये कि वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, वो एक, जैसे क्या कहते हैं कि एक अकल रखने वाला, एक कॉन्शियस कॉन्शियंस कॉन्शियस बीइंग है जो कि डिसीजन ले सकता है, कुन फयकुन कर सकता है। कुन फयकून कर सकता है। अच्छा, और तो तीसरा अल्लाह ताला का डिस्क्रिप्टर आ गया कि वो एक तो सिंगल पार्टिकल है, वो क्रिश्चियंस की तरह का कोई गॉड का फिगर नहीं है जिसका चेहरा है, जिसकी आंखें हैं, जिसकी नाक मुंह फला फला है, वो एक पार्टिकल है और वो नूर का पार्टिकल है, इनफिनिट मैग्नीट्यूड है। नूर अला नूर, यह हाँ, और दूसरा उसका उसका उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, और वो पावर जो है वो इतनी इतनी उसकी उस पावर का मैग्नीट्यूड इतना है कि, अच्छा, एक कुन फयकून में जो कुन है ना, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कुन किया, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में देखें तो ये कुन सबसे छोटा वर्ड है, इससे मतलब ए सिंगल सिलेबल वर्ड है, और सिंगल सिलेबल में भी सबसे छोटा, मतलब एक तो होता है ना डोर, डोर लंबा लफ्ज है, हाँ जी, कौन सबसे छोटा लफ्ज है, तो जब अल्लाह ताला ने ह्यूमन लैंग्वेजेस में सबसे छोटा लफ्ज बोला, सिर्फ उसका ही इम्पैक्ट इतना था कि यूनिवर्स क्रिएशन में आ गई। तो एक अगर, सेकंड है, एक सेकंड है, सॉरी, मुझे लगा कोई ना बाहर वेट कर रहा है, मैं ना फोन काटता जा रहा हूँ, कोई आसफ भाई का बेटा ना बैनर देने आ रहा है फंड रेजर पे, मुझे अच्छा, लगा वो आ बेचारे ने गया, बेल कर दी। अब ना आ जी, आ जी। सर जी, मैं अब देखिए, मैं मीटिंग और सारा कुछ इसलिए भूल गया हूं कि ये जो, इसको मैं कहता हूं कि जो आपके दिल में इस वक्त आया है, ये जो मुझे मिल रहा है, ये उस मीटिंग में कहीं नहीं था। ऐसा ही है, तो वो जो थॉट का आना, और मैंने जज क्या करना कि ये खैर है, अगर ये खैर है तो ये डिवाइन मैसेज है मेरे लिए, आज उतरा है। मैं अगर इसमें ये देखूं कि मेरा वक्त जा रहा है, मेरा ये हो रहा है, मैं तो ये बैठा था, मेरा दो, मैं वो उसको हटा दूंगा, ऐसा उन ही। जो भी आए थे वो सब हटा दूंगा, क्योंकि एक बंदा मेरी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हो गई है, तो मैं उसको छोड़ के एक छोटी सी चीज के पीछे भागू, सुभान अल्लाह जी। आप उसको, और ये यकीन माने, मैं इसको दोबारा डिटेल में बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मुझे यू ब्लोन माई माइंड। मैं अभी यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ कभी कभी जुमा पढ़ाने का मौका मिलता है, तो सुभान हम लोग, जैसे अभी मैं प्रिपेयर किया था कि हाउ टू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन खुशू एंड ए फोकस, ऐसा ही है। तो एंड हाउ दैट फोकस हेल्प यू इन स्टडी, क्योंकि उस बच्चे हैं, और हाउ, व्हाट इज द फोकस एंड, तो वो इस तरह के टॉपिक लेके आके इसको हम लोग कहते हैं, मेरी अपनी टर्म में, मुझे नहीं पता और कोई करता है, वो है एक्सपीरियंशियल इस्लाम। मैं कहता हूं डोंट बिलीव एनीथिंग, एक्सपीरियंस एवरीथिंग। ऐसा ही वंस है, यू एक्सपीरियंस समथिंग, इट्स हार्ड टू डिनाई, इट्स हार्ड टू हाइड, इट्स हार्ड टू उसको आप, कोई बंदा जितना भी, कोई जैसे अगर आप बाहर बारिश देख लेते हैं, पहाड़ भीग जाता है, एक बंदा करोड़ डॉलर भी देता है और आप कहेंगे कि ये मान लो, तो आप कहेंगे झूठ कह सकता हूं लेकिन मान नहीं सकता।
ये कैसी सही है कि अंदर बैठे को बंदा कहता रहे नहीं यार हो रही हो रही, वो बिलीव 1 घंटा रहेगा, 2 घंटे कोई बंदा आएगा, देखो यार मेरा हाथ गर्म है, आप उस पर यकीन कर लोगे लेकिन उस बारिश पे यकीन नहीं कर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो तो जज़ाकअल्लाह खैर, आप उसको कंटिन्यू करें, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा नहीं आपने नहीं मुझे। तो बस इससे आगे डिस्कशन ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ ये छोटी सी 3 आयतें हैं ना, तो मुझे तो उसमें याद रहा है मेरा सबक वो है, एक तो आपने बहुत खूबसूरत जो लफ्ज़ बोला अहद इज इंडिविजिबल है, और दूसरा आपने जबरदस्त आपने बताया समद है समझ जो है वो इन्फिनिट ये है। इन्फिनिट है, और लास्ट जो है कुन जो है जिसकी एक छोटे वर्ड से, क्योंकि मुझे पता है कि वो सीड मेरे अंदर है। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना मैंने सूर फोंका, हाँ जी हाँ जी 4 माह की उम्र में इंसान के अंदर आता, उससे पहले वो लोथड़ा है, ऐसा ही है। वो जब आ जाता है तो वो सबूत है कि भाई अगर तुम उसको भी उसी तरह एक्सपीरियंस नहीं कर सके, वो भी इंडिविजिबल है, ऐसा लेकिन ही ये कि ये गिवन है वो इटसेल्फ है, हाँ उस वो किसी बिल्कुल पे उसमें इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई वो ना तो पैदा हुआ है, ना ही उसका कोई वालद है, ना ही उसकी कोई औलाद है, मीन्स दिस रिलेशन इज हियर फॉर आर टेस्ट ओनली। एग्जैक्टली आज एक प्रॉपर्टी का